छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, कांग्रेस ने किसानों के साथ सिर्फ धोखा किया है। पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिर्फ घोटाले किए और राज्य में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस राज्य में करीब 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। सुन लेते हैं एक बार। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। लाखों किसान छत्तीसगढ़ से पंजीकृत हुए, मगर वो सत्यापित नहीं हो पाए। राज्य सरकार ने उन्हें वेरीफाई नहीं किया, सत्यापित नहीं किया, इसलिए ये लाखों किसान आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान सम्मान निधि के 6000 रुपए प्रति वर्ष से वंचित हैं। सोचिए, मोदी जी देना चाहते हैं और लेने वाले किसान हैं, मगर अन्नदाता तक पैसा कैसे नहीं पहुंचे, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इलेक्शन मतलब सी न्यूज। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हालांकि अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, उसी के साथ साथ ये आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी जो है वो घोटाले की सरकार कह रही है छत्तीसगढ़ को। अगर जमीन परिस्थिति देखी जाए तो कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और अभी कुछ दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में जाकर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ पूरी आरोपों की लिस्ट जारी की थी, और आज फिर पार्टी की तरफ से संबित पात्रा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और सीधे सीधे कहा कि बीते 5 साल में वहाँ कोयला खदानों में लूट हुई है, भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, और जो केंद्र की योजनाएं हैं वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि भूपेश बघेल सरकार चाहती नहीं है। तो आरोपों की एक लंबी आज भी पार्टी की तरफ से जो है भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए गए कि ये आरोप हैं जिसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान हो रहा है। देखिए चुनावी माहौल बन चुका है, नवंबर में चुनाव है, लिहाजा अभी आरोपों प्रत्यारोपों दोनों तरफ से और ज्यादा लगेंगे। आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, लिहाजा बीजेपी अब और ज्यादा मुखर होकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को घेर रही है, क्योंकि हो सकता है अक्टूबर मध्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और नवंबर में। मुझे लगता है ब्रह्म प्रकाश, जिस तरीके से टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल अलग अलग खेमे थे, आला कमान ने जब से उन दोनों को एक किया है, तब से कांग्रेस के चुनाव प्रचार में, कांग्रेस की जमीन पर मजबूती में भी धार आई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा शोभना, क्योंकि बीते 4 साल में हमने देखा कि टीएस सिंहदेव लगातार तलवारें खींचे रहे भूपेश बघेल के खिलाफ, लेकिन पार्टी हाईकमान ने चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया और मैनेज किया, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत हुई है और ये माना जा रहा है कि भूपेश बघेल का जो मैनेजमेंट है उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पार्टी मजबूत है। यही वजह है कि बीजेपी अब उनको चारों तरफ से घेर रही है। गृहमंत्री अमित शाह खुद रायपुर गए और सरकार की नाकामियों को गिनाया और एक पूरी किताब जारी की कि क्या क्या नाकामियां रही हैं भूपेश बघेल सरकार की, और अब बीजेपी और ज्यादा हमलावर है, नाकामियां गिना रही है कि किस तरह से करप्शन है, किस तरह से वहां नौकरियों की भर्तियों में घोटाला हुआ है। तो ये चुनावी माहौल है, अभी एक दूसरे के खिलाफ और ज्यादा आरोप आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश इस पूरे अपडेट के लिए। Z News.